नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय सियाराम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद आर्यस एकेडमी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार अब की बार। दोस्तों, आज हम राजस्थान के स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। राजस्थान स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ेंगे आज हम राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्राचीन नाम, विभिन्न उपनामों की चर्चा करेंगे। आज हम किस जगह के नाम को किस उपनाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र की क्या आकृति है और क्या उपनाम है, आज हम उपनामों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो हमारा वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसमें से काफ़ी मात्रा में एकाध प्रश्न इसके अंदर से बनता ही बनता है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो का आनंद लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम राजस्थान स्टैटिक के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के उपनामों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हो सकता है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता हो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपके लिए बड़ी मज़ेदार और अननोन भी होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जंगल प्रदेश, कि जंगल प्रदेश कौन से प्रदेश को कहते हैं? तो जंगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर को, और जोधपुर का उत्तरी भाग भी जंगल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अयोध्या प्रदेश हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला इलाका जो है अयोध्या प्रदेश के अंतर्गत आता है। शूरसेन नगर या शूरसेन क्षेत्र जो है भरतपुर धौलपुर करौली ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, और मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी शूरसेन की। गिरवा उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है गिरवा कहलाता है, और गोड़वाड़ जो है लूनी नदी के बेसिन वाला क्षेत्र कहलाता है, जो कि दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर जालौर और पश्चिमी सिरोही वाला क्षेत्र आता है, जिसमें गोड़वाड़ कहते हैं जिसे। पाली वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। अहिछत्रपुत्रपुर नागौर को कहते हैं, और राठ प्रदेश कहते हैं अलवर जिले का हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। उपरमाल भीलवाड़ा के चित्तौड़गढ़ का पहाड़ी भाग उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग जो उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है, ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य में है। कांठल प्रदेश किसे कहते हैं? तो कांठल प्रदेश क्या कांठल देवलिया जो है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश चूरू झुंझुनू और सीकर ये तीन जिलों का क्षेत्र जो है शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। और भोरट का पठार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भोरट का पठार क्षेत्र जो है गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है भोराट का पठार। मेरवाड़ा किसे कहते हैं? तो अजमेर व राजसमंद जिले के का दुवेर क्षेत्र आता है, जो वो मेरवाड़ा कहलाता है। खैराड़ प्रदेश किसे कहते हैं? खैराड़ या मलखेड़ा, तो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील व अधिकांश टोंक जिला जो है खैराड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खैराड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये जो है बनास नदी का एक मैदान बनाती है, बनास नदी यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती है, वो क्षेत्र खैराड़ या मलखेड़ा के अंतर्गत आता है, जो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील और टोंक जिले का भाग इसके अंतर्गत आता है। मत्स्य क्षेत्र के अंदर वैसे मत्स्य संघ जो बना था वो अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली इन चार रियासतों को मिलाकर जो है एकीकरण के समय पर मत्स्य प्रदेश बनाया गया था। लेकिन मत्स्य क्षेत्र प्राचीन काल में जो मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो वो जयपुर और अलवर के मध्य का भाग आता है, और सामान्य तौर पर जयपुर व भरत अलवर व भरतपुर को जो है मत्स्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ढूंढाड़ जो है जयपुर और आसपास का क्षेत्र होता है, जयपुर दौसा टोंक का काफ़ी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा किशनगढ़ आता है, अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील भी जो है ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मंड प्रदेश या बल्लभ देश
किसे कहते हैं? तो वो जैसलमेर को कहते हैं, मंड या वत्स प्रदेश भी कहते हैं इसको। इसके अलावा वांगड़ या वांगर किसे कहते हैं? वांगड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का वाला जो क्षेत्र है उसे वांगड़ प्रदेश कहते हैं। अर्बुद या चंद्रावती प्रदेश किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, अर्बुद या चंद्रावती। ये जो है सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र जो है अर्बुद प्रदेश कहलाता है। अर्बुद यानी कि अर्जित किया गया क्षेत्र। मरुबाग या मारवाड़ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, जबकि मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी भाग को मेवल कहते हैं। मेवल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में, माही नदी के आसपास। मेवात जो है अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, अलवर भरतपुर के मध्य का क्षेत्र जो है अलवर और भरतपुर में फैला हुआ है मेवात जो है। तोरावाटी जो है शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र को जो है तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। यहाँ पर जो है तोमर वंश के, तमर वंश के या तोमर वंश के शासक निवास करते थे, और तोमर वंश के शासकों के कारण ये क्षेत्र जो है तोरावाटी कहलाया था। हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां जिले को हाड़ौती कहते हैं, यानी कि लगभग कोटा मंडल को, कोटा संभाग को जो है हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। जबकि बागड़, बागड़ किसे कहते हैं? तो बागड़ जो है पाली, नागौर, इसके अलावा सीकर, झुंझुनू के कुछ भाग को जो है बागड़ भी कहते हैं। बागड़ अलग है, बंगड़ अलग है, ध्यान रखना। भूमठ क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भूमठ का क्षेत्र जो है डूंगरपुर का पूर्वी और सिरोही, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश जो है भूमठ क्षेत्र कहलाता है। भूमठ क्षेत्र किसे कहते हैं? दोबारा देखिए, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश को भूमठ क्षेत्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं? तो अलवर राज्य का उत्तरी भाग जो है कुरुक्षेत्र कहलाता है। थली क्या है? थली किसे कहते हैं? तो उत्तरी मरुभूमि। बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग एवं दक्षिणी गंगानगर का मरुभूमि जो है वो थली कहलाती है। शिवी, मेदपाद, मेवाड़, ये सब किसके नाम है? तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को जो है शिवी, मेदपाट, शिवी, मेदपाट, मेवाड़, मागवाट के नाम से जानते थे। शिवी, मेदपात, मेवाड़ और प्रागवाट के नाम से जो है उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को जानते थे। इसे सिवी जनपद भी कहते थे, सिवी जनपद। माल, माल क्या है? माल क्षेत्र किसको कहते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को जो है माल प्रदेश कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माल प्रदेश कहते हैं। मालवदेश अलवर को कहते हैं, अलवर के इलाके को मालवदेश कहते हैं। जबकि मालाणी की बात करें तो मालाणी बाड़मेर जालौर वाले क्षेत्र को कहते हैं। बाड़मेर और जालौर के मध्य के क्षेत्र को जो है मालाणी कहते हैं। जबकि मालवदेश प्रतापगढ़ और झालावाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाले क्षेत्र को जो है मालवगढ़ कहते हैं। डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? तो धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को जो है डांग प्रदेश कहते हैं। डांग प्रदेश या डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को जो है डांग प्रदेश कहते हैं। मेरू, मेरू जो है अरबती अरावली का पर्वतीय प्रदेश है। मेरू, गुर्जरत्रा, गुर्जरत्रा जो है जोधपुर के दक्षिणी भाग को कहते हैं, जहाँ मंडौर स्थित है। मंडौर और उसके आसपास के इलाके को गुर्जरत्रा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रत्याहारों का शासन रहा था, इसलिए इस क्षेत्र को जो है गुर्जरत्रा के नाम से जानते हैं। देशहरो, देशहरो जरगा वह राग पर्वतों के आसपास के क्षेत्रों को कहते हैं। देशहरो अरावली का 12 मास हरा भरा रहने वाला प्रदेश है, पर्वत है। देशहरो जो है अरावली पर्वत प्रदेश पर एक ऐसा पठार, ऐसा पहाड़ है जो कि 12 महीने हरा भरा रहता है, हरियाली से युक्त रहता है, उसे देशहरो के नाम से जानते हैं।
राजस्थान के कुछ जलों की आकृतियों के बारे में देखते हैं कि राजस्थान के कुछ जलों की आकृति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है अथवा पतंगाकार भी है, और इसके बारे में जो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति जो सबसे पहले बताने वाला विद्वान था वो था टी एच हैगड़ले ने सबसे पहले राजस्थान के मैप के बारे में बताया था और राजस्थान की आकृति बताई थी कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है अथवा पतंगाकार है। ये हमें बताने वाले टी एच हैगड़ले थे। जैसलमेर जिले का आकार की बात करें तो जैसलमेर जिले का आकार सात भुजाओं वाले अनियमित बहुभुज की जैसा है। जालौर जिले की आकृति समुद्र में गोता लगाती हुई व्हेल मछली के समान है। समुद्र में गोता लगाती हुई मछली या व्हेल मछली के समान आकृति है जालौर जिले की। उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी है। उदयपुर संभाग की आकृति श्री लंका जैसी है। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है, जबकि चित्तौड़ के मुख्य भाग की आकृति जो है इल्ली के समान है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है और धौलपुर और करौली जिले की आकृति जो है वतक के समान है। धौलपुर और करौली दोनों जिलों की आकृति जो है वतक के समान है और भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है। गिलहरी नुमा है भरतपुर की आकृति। सीकर जिले की आकृति अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार या प्याले नुमा या कटोरी नुमा आकृति है सीकर की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीकर से संबंधित। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुर्सी सोफा या अंग्रेजी के एल अक्षर जैसी है हनुमानगढ़ जिले की आकृति। जोधपुर की आकृति मयूराकार है, यानी कि मयूर के समान है, मोर के समान है आकृति जोधपुर की। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है, जबकि अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। अजमेर जिले की आकृति तो त्रिभुजाकार है, लेकिन अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। टोंक जिले की आकृति समचतुर्भुजाकार है अथवा पतंगाकार है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी किनारे जो है अंदर की ओर धसे हुए हैं। ऐसा समचतुर्भुज, ऐसी पतंगाकार आकृति जिसके पूर्वी और पश्चिमी किनारे अंदर की ओर धसे हुए हैं, वो टोंक जिले की आकृति है। जबकि दौसा जिले की आकृति जो है धनुषाकार है। दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। इसके अलावा कुछ अन्य उपनामों के बारे में बात करें। कुछ अन्य उपनामों के बारे में हम बात करते हैं। अब्रक की मंडी भीलवाड़ा को कहते हैं। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं। औजारों का शहर नागौर को कहते हैं। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को कहते हैं। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जयपुर को कहते हैं और रंग श्री द्वीप भी जयपुर को कहते हैं। उद्यानों अथवा बगीचों का शहर कोटा कहलाता है। उद्यानों अथवा बगीचों का शहर कोटा कहलाता है और ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं। ख्वाजा की नगरी अजमेर को कहते हैं। गलियों का शहर जैसलमेर कहलाता है। गुलाबी नगरी जयपुर कहते हैं और घंटियों का शहर झालरापाटन को कहते हैं। छोटी काशी या दूसरी काशी बूंदी को कहते हैं। छोटी काशी या दूसरी काशी जो है बूंदी को कहते हैं। जल महलों की नगरी डीग कहलाती है। झीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। देवताओं की उपनगरी पुष्कर को कहते हैं। नवाबों का शहर टोंक कहलाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर कहलाता है या भारत का पेरिस जयपुर कहलाता है। पूर्व का बेनिस उदयपुर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। भक्ति अथवा शक्ति साधना की नगरी जो है मेड़ता सिटी कहलाती है। भक्ति शक्ति व साधना की नगरी मेड़ता सिटी कहते हैं, जबकि भक्ति व शक्ति की नगरी चित्तौड़ होती है। मूर्ति का खजाना तिमनगढ़ करौली को कहते हैं। मूर्तियों का खजाना
तिमनगढ़ को कहते हैं जो करौली जिले के अंदर है, करौली को कहते हैं मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा रोहिड़ा के वृक्ष को कहते हैं। मरु की शोभा या मरुस्थल की शोभा रोहिड़ा का वृक्ष कहलाता है। राजस्थान की मरु नगरी बीकानेर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं या राजस्थान का दिल अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ राजस्थान भरतपुर को कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं और राजस्थान का पूर्वी द्वार धौलपुर को कहते हैं। राजस्थान का अन्न का भंडार गंगानगर को कहते हैं, राजस्थान के अन्न का भंडार। राजस्थान की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान रहे राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, जबकि राजस्थान की सुवर्ण नगरी सापे ऊ की मात्रा लगी हुई है बस, राजस्थान की सुवर्ण नगरी जालौर को कहते हैं, जबकि राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं और राजस्थान की ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा को कहते हैं, राजस्थान का आधुनिक नालंदा कोटा को कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट अलवर को कहते हैं, राजस्थान की मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। राजस्थान की मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा लूनी नदी को कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। आधी मीठी आधी खारी नदी भी लूनी नदी को कहते हैं। राजस्थान की मोनालिसा वणी ठणी को कहते हैं। रेगिस्तान की सागवान रोहिड़ा कहलाता है, रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को कहते हैं। राजस्थान का खुजराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं, जो बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान का खुजराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं, बाड़मेर में है। और राजस्थान का मिनी खुजराहो भंड देवरा को कहते हैं, राजस्थान का मिनी खुजराहो भंड देवरा को कहते हैं। हाड़ौती का खुजराहो भंड देवरा को कहते हैं, हाड़ौती का खुजराहो भंड देवरा को कहते हैं, या राजस्थान का मिनी खुजराहो भंड देवरा को कहते हैं, जबकि राजस्थान का खुजराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं। मेवाड़ का खुजराहो जगत मंदिर को कहते हैं और राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालरा पाटन को कहते हैं, जबकि राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को कहते हैं। राजस्थान का राजकोट लूणकरण सर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर कहलाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर कहलाता है। राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन सिटी सिड़ीसेड झील अलवर को कहते हैं। नंदन कानन यानी कि नंदन उपवन जो है सिलीसेड झील को अलवर को कहते हैं। राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। राजस्थान का अणु नगरी रावतभाटा कोटा को कहते हैं। राजस्थान के अणु नगरी रावतभाटा को कहते हैं, जो कि कोटा के कोटा जिले में है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया कहलाता है, मातृकुंडिया। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, मातृकुंडिया। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब या मरुस्थल का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। राजपूताने की कुंजी अजमेर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का नाका अजमेर कहलाता है, या राजस्थान का मुहाना अजमेर कहलाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, जो कि जोधपुर जिले के अंदर है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया कहलाता है। राजस्थान का साल्ट सिटी सांभर को कहते हैं, जयपुर जिले के अंदर है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बरसात झालावाड़ में होती है।
राजस्थान का एलोरा, कोलवी का मंदिर, कोलवी झालावाड़ में को कहते हैं राजस्थान का एलोरा, कोलवी के मंदिर झालावाड़ को कहते हैं, राजस्थान का जलियावाला बाग मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहते हैं, मानगढ़ धाम को कहते हैं राजस्थान का जलियावाला बाग, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं, राजस्थान का पूर्वी द्वार धौलपुर को कहते हैं, रत्न नगरी जयपुर कहलाती है, बराहा नगरी वारा को कहते हैं और वर्तमान नालंदा के नाम से कोटा को जानते हैं। लवकुश की नगरी सीताबाड़ी वारा को कहते हैं, या लवकुश कुंड, लव और कुश नाम के कुंड जो है ये सीता माता अभ्यारण्य के अंदर हैं। लवकुश कुंड नाम के दो वो हैं और सीता मंदिर और लवकुश कुंड जो है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर हैं, जबकि लवकुश नगरी सीताबाड़ी बारा को कहते हैं। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी कोटा को कहते हैं, शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा को कहते हैं, आधुनिक नालंदा कोटा को कहते हैं। समस्त तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं, धौलपुर को समस्त तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं, जबकि तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से जोधपुर को जानते हैं, सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। सुनहरा त्रिकोण, ये दिल्ली आगरा जयपुर का एक त्रिकोण है, ये पर्यटन परिपथ है, पर्यटन परिपथ है जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये दिल्ली से आगरा और आगरा से जयपुर और जयपुर से वापस दिल्ली, ये त्रिकोण ट्रायंगल बनाया गया है जो कि दिल्ली आगरा जयपुर के मध्य, इसे सुनहरा त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जो कि एक पर्यटन परिपथ है, टूरिज्म सर्किट है। ये मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर पहले तीन जिलों में था, बाद में इसमें बाड़मेर भी शामिल कर लिया गया। अब मरु त्रिकोण के अंदर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर के अलावा बाड़मेर भी इसमें सम्मिलित है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। हेरिटेज सिटी झालरापाटन को कहते हैं। हरणाकश्यप की राजधानी, वही हरणाकश्यप जो भक्त प्रहलाद का पिता था, हरणाकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी को कहते हैं, जो कि करौली जिले के अंदर है, हिंडौन सिटी। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। पीले पत्थर का शहर जैसलमेर को कहते हैं। सैलानियों का नगरी जैसलमेर को कहते हैं। भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड को कहते हैं, रेड जो कि टोंक जिले के अंदर है, रेड सभ्यता जहाँ से मिली थी, जहाँ हमें लोह युगीन सभ्यता थी, रेड सभ्यता, जहाँ जिसे राजस्थान, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी कहलाता है, जबकि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ है, भारतीय मूर्तिकला का विजय विश्वकोश मूर्ति स्तंभ कहलाता है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर कहलाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर कहलाता है। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप बेल्स बूंदी को कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर कहलाता है। पत्थरों का शहर जोधपुर कहलाता है, पत्थरों का शहर जोधपुर कहते हैं। ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। नीली नगरी जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू पीपलुद को कहते हैं बाड़मेर को, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। मारवाड़ का लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू पीपलुद को कहते हैं, पीपलुद पहाड़ को कहते हैं, पीपलुद पहाड़ है एक बाड़मेर जिले के अंदर। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहते हैं। सुवर्ण नगरी जालौर को कहते हैं। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा वृक्ष कहलाता है, जबकि पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहते हैं, पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहते हैं। पानी पत्थर और पहाड़ की पुरी, पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी उदयपुर को कहते हैं। भक्ति व शक्ति की नगरी चित्तौड़ को कहते हैं, भक्ति व शक्ति की नगरी चित्तौड़ को कहते हैं। और महाराजा रतिदेव की नगरी
केसरो ये पाटन को कहते हैं, केसरो ये पाटन जहाँ पहली चीनी मिल का बनाई गई थी, प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। कॉटन सिटी सूरतगढ़ को कहते हैं, राजस्थान की संतरा की नगरी झालावाड़ को कहते हैं, राजस्थान का नागपुर झालरा पाटन को कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं रेड डायमंड, लाल पत्थर का शहर धौलपुर को कहते हैं, लाल पत्थर धौलपुर से सर्वाधिक मिलता है जिसे रेड डायमंड के नाम से जानते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर जबई सागर बांध को कहते हैं जो कि लूनी नदी पर बनाया गया है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जबई बांध को कहते हैं जिसे महाराजा उमेश सिंह ने बनवाया था, जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह के द्वारा बनवाया गया था। फाउंटेन व माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्टैटिक जीके का डोज, कैसा लगा आपको अवश्य हमें बताएं। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल्स को शेयर भी करें जिससे कि हमें संबल प्रदान हो। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।